प्रदेश के बागपत में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कृषि कानून बिल पर केंद्र सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए इस काले कानून को पास किया है। काले कानून को लेकर मोदी सरकार अडानी और अंबानी को सीधे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन किसान और जनता अब जाग चुकी है। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। दरअसल आपको बता दें कि बागपत के क्रांतिकारी बसोद गांव में कांग्रेस द्वारा आयोजित जय जवान जय किसान चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए मोदी और योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 काले कानून लाकर किसानों के साथ धोखा किया है। इस काले कानून से किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। सरकार से किसानों की बार बार बातचीत से भी हल नहीं निकल रहा है। किसान आंदोलन में कितने किसान मर चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी उनके लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा, जबकि मन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी आंदोलन करने वाले किसानों का आंदोलन जीवी कहते हैं, लेकिन उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आंदोलन करने वाला आंदोलन जीवी है तो वह है। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन के साथ जनता जाग उठी है, आने वाले समय में जनता उन्हें मुँह तोड़ जवाब देगी। होगा जनता के सवालों से होगा, नौजवानों के रोजगार की समस्या से होगा, उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था के सवालों को उठाने से होगा, महिलाओं के सुरक्षा से होगा, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की आवाज से होगा। मैं स्पष्ट कर दूं, जनहित के मुद्दों पर हम जनता के साथ गठबंधन करेंगे, उनके सवालों से गठबंधन करेंगे और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करके 2022 में सरकार बनाएंगे। मैंने बता तो दिया भैया, जनता से गठबंधन करने जा रहे हैं, गरीबों से करेंगे, शोषितों से करेंगे, वंचितों से करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता से करेंगे, ये गठबंधन हो जाएगा 2022 में। अरे भैया, हम जनता के साथ लड़ने जा रहे हैं भैया। ठीक है, थैंक यू। मैं समझता हूँ अगर कोई भी व्यक्ति, हर आदमी धर्म को मानता है और ये हमारा संस्कार है, और संस्कार हमें इजाज़त देता है कि हम परंपराओं को, संस्कारों को माने। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमने उन्हें रोका है क्या? आप भी जाएं। तो क्या बीजेपी करी हुई है? कांग्रेस, बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 2022 में सरकार बनाने जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को